हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स प्रीवियसली वी हैव डिस्कस अबाउट डिवीज़न ऑफ द मुग़ल एम्पायर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मनसबदारी सिस्टम हिंदी में भी इसे मनसबदारी कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज द मनसबदारी सिस्टम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो उसके प्रमुख फीचर्स में से एक था मनसबदारी सिस्टम इट वाज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था इक्ता सिस्टम जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था तो मनसबदारी सिस्टम इसी का एक रिफाइंड फॉर्म था मनसब मीन्स रैंक और पोजिशन इन अरबिक मनसब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक या फिर पोजिशन इट वॉज़ अ ग्रेडेड सिस्टम एंड नॉट हेरीडेट्री ये एक ग्रेडेड सिस्टम होता था ये किसी तरह की हेरीडेट्री नहीं होती थी हेडट्री का मतलब है ऐसा नहीं था कि जो मनसब के बेटे होते थे वो बाद में जाके मनसब ही बनेंगे तो यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था जिसके अलग अलग पैरामीटर थे एवरी ऑफिसर्स वॉज़ असाइंड अ मनसब एंड वॉज कॉल्ड मनसबदार जो भी ऑफिशर होते थे तो वो एज अ मनसब असाइंड होते थे और उन्हें मनसबदार कहा जाता था यूजुअली अ मनसबदार एंटर्ड एट अ सर्विस एट अ लो रैंक यूजुअली जो मनसबदार की जो एंट्री होती थी वो लो रैंक पे होती थी यानी कि किसी छोटे पोजीशन पे होती थी बट रोज टू हायर रैंक्स थ्रू प्रमोशन लेकिन इनको आगे प्रमोशन मिलता जाता था और ये इनके रैंक बड़े होते जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी एंड सर्विस और ये जो प्रमोशंस होते थे वो इनकी लॉयल्टी और सर्विस के बेसिस पे होते थे हिज रैंक डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ हॉर्समैन सवार ही वुड मैंटेन और इनके जो रैंक होते थे वो डिपेंड करते थे कि इनके पास कितने घुड़सवार हैं जो इनको मेंटेन करना पड़ता था मनसब दार्स फॉर्म अ रूलिंग ग्रुप इन द मुग़ल एम्पायर मुगल एम्पायर में मनसबदार्स एक रूलिंग ग्रुप फॉर्म करते थे दे वर एक्सपेक्टेड टू फिक्स नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स कैमल्स एंड कार्ट्स तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसमें रैंक होते थे इसमें पोजीशन होते थे तो पोजीशन के हिसाब से मनसबदारों के पास एलिफेंट्स कैमल्स और कार्ट्स होते थे जो कि युद्ध युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे इन द इन टाइम्स ऑफ वॉर द किंग मोस्टली यूज द ट्रुप्स ऑफ मंसबदार और ये जो मनसबदार्स होते थे तो ये लोग अपने पास जैसा कि हमने पढ़ा ये लोग हॉर्समैन रखते थे ट्रुप्स रखते थे यानी कि सैनिक रखते थे तो जो राजा होते थे वो इन मनसबदार के ट्रुप्स को यूज करते थे ही ऑल्सो हेड एन आर्मी ऑफ वेल ट्रेन सोल्जर्स टू अवॉइड डायरेक्ट थ्रेट ऑफ टू हिमसेल्फ इसके अलावा इनकी खुद की आर्मी होती थी जो कि वेल ट्रेन होती थी सब मनसबदार्स वर पेड इन कैश वाइल अदर्स रिसीव जागीरस कुछ मनसबदारों को कैश में पेमेंट किया जाता था जबकि कुछ मनसबदार उनको जागीर मिली होती थी जागीर का मतलब होता था किसी क्षेत्र का वैसा हिस्सा जो मनसबदार के अधीन होता था और जो टैक्स वहाँ से प्राप्त होता था ये मनसबदार अपने पास ही रखते थे तो उनको जागीर कहते थे जबकि दूसरा तरीका था कैश मतलब जो उनके वेतन होते थे वो उनको कैश फॉर्म में मिल जाते थे जो उस समय मुद्रा चलती थी दे मेंटेन देयर एक्सपेंसेस थ्रू द इनकम फ्रॉम जागीर्स और ये लोग अपने एक्सपेंस को जागीर से जो इनकम प्राप्त होती थी उससे ये मेंटेन रखते थे तो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड Today's class. Tomorrow, we will discuss gradient relations. Till then, bye bye.